वाले हैं कटहल चना दाल नारियल से एक यम्मी से रेसिपी बनाएंगे, वो टेस्टी लगता है, आप लोग भी बनाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोमोज किचन। आज बनाने वाले हैं यम्मी रेसिपी, पूरी प्योर वेजी रेसिपी, नो ऑनियन नो गार्लिक। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। बिफोर गोइंग टू द रेसिपी, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट हैंड साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा तो मेरा आपका वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहला आपको आ जाएगा। सो लेट स्टार्ट लेट बिगिन अवर रेसिपी। दैट इज कटहल जो होता है जैक फ्रूट कच्चा, वो मैंने काट के उबाल लिया है, दो सीटी दे दिया है, पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया वो, ठीक है, सॉफ्ट हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से पीस लेंगे, फिर ये दोनों को ग्राइंड करेंगे। ये मैंने लिया है यहाँ पे हाफ कप चना दाल, वो मैं रात में मैं सोक करके रखी थी तो सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप कोकोनट, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो आप मत लीजिए, बट वेरी टेस्टी होता है, आप एक बार ट्राई करिएगा। ओके, तो ये सब हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको कैसा पसंद आप दीजिएगा तो दो मिर्ची देंगे, कोकोनट को पहले थोड़ा चर्न कर लेंगे, ठीक है। कोकोनट को हम लोग चर्न कर लिए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे चना दाल दे दिए हैं, दो हरी मिर्च, मिर्ची आपके अनुसार कैसा आपको तीखा चाहिए, उसमें हम लोग दे देंगे थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसमें हम लोग देंगे जस्ट थोड़ा सा शुगर, ठीक है, 1/2 टीस्पून, एंड सॉल्ट, स्वाद अनुसार दीजिए। पहले इनको चर्न कर लेते हैं, फिर हम लोग जो कटहल है जो उबाल के रखे हैं वो हम लोग चर्न कर लेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट है, एक बार में चर्न हो जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ पे 2 टेबल स्पून पानी देके पीसा है, ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है, तो आपको सुखाने के लिए उतना टाइम लग जाएगा, है ना। तो बाकी का मैंने यहाँ पे 2 कप्स मेरा यहाँ पे है कटहल, एकदम छोटा सा मैंने एकदम बीज, बिना बीज का मेरे को कटहल मिला था, वो सॉफ्ट है, देखिए एकदम 2 सीटी मारा मैंने, बस हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग का मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है, ठीक है, पूरा हम लोग ने ग्राइंड कर लिया है पूरा, तो इसको हम लोग साइड में रख देंगे। अब एक मसाला हम लोग का रेडी कर लेंगे, ये हम लोग मसाला रेडी होने के बाद फौरन हम लोग इसको कुक कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग देंगे हल्दी पाउडर, ठीक है, 1/2 टीस्पून, 1/2 से 1 टीस्पून आप दे सकते हो यहाँ पे, धनिया पाउडर, ठीक है, 1 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर, वन टीस्पून, या हम देंगे मिर्ची पाउडर, रेड वाली मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमें ग्रीन चिली ऑलरेडी दिए हैं, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे मिर्ची पाउडर डालेंगे, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ। गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर यहाँ पे बहुत टेस्टी लगता है तो वो मैं यहाँ पे डालूंगी, 1/2 टीस्पून, ठीक है। अभी पानी से हम लोग इसको एक पेस्ट बना लेंगे, ये प्रोसेस बहुत लगते हैं, और हम लोग चलते हैं इसको करने के लिए। यहाँ पे डालेंगे तेल, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, डालेंगे हींग, हींग यहाँ पे बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ चीज़ बनाने से हींग हम लोग का हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। डालेंगे सूखी मिर्ची एक, और जो मसाला हम लोग प्रिपेयर करके रखे थे वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। मसाला थोड़ा सा कुक हो जाए फिर हम लोग अपना पेस्ट जो बना के रखे हैं वो अब डाल देंगे। यहाँ पर हम लोग नमक दे देंगे, नमक हम लोग नहीं दिए थे, पेस्ट के टाइम हम लोग ग्राइंड करने के टाइम नमक दिए थे, इसलिए हम लोग नमक यहाँ पे सोच के हमको डालना है।
सो फ्रेंड्स 12 से 13 मिनट्स हो गए हैं, हम लोग इसको कुक कर रहे हैं। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा है और थोड़ा सा टाइम लेगा वो, जिससे मॉइस्चर हम लोग सब मॉइस्चर यहाँ पे ड्राई हो जाना चाहिए, इकट्ठा हो जाएगा। तांद्रामी को और जस्ट थोड़ा सा जस्ट 1/4 टीस्पून शक्कर गरम रहते रहते इसको अच्छे से फैला देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे फैन के नीचे। फिर हम इसको पीस पीस करेंगे फिर फ्राई करेंगे। इनको ठंडा हो गया है, ठंडा मतलब जब लोग टच कर सकते हैं वैसे ठंडा हुआ है। हम लोग इसे पीस पीस कर लेंगे, ठीक है, इसको फ्राई कर लेंगे। अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे। लिया है, ठीक है, 1 टीस्पून, मैं टीस्पून छोटा है इसे दो बार दे रही हूँ। यहाँ पे देंगे हींग, ये सब चीज़ जब बनाते हो तो हींग देना बहुत कंपलसरी हो जाता है, मैंने 1/2 टीस्पून दिया है। तेज पत्ता मैंने एक तोड़ के यहाँ पे दे दूंगी, दालचीनी के टुकड़े, इलायची ग्रीन वाली, और यहाँ पे देंगे 3 लवंग, ठीक है। इसका फ्लेवर जब अच्छा से आ जाए इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू इस पूरा ये पूरा ऑप्शनल है, यहाँ पे आलू के बिना हम लोग ग्रेवी नहीं चलता है, इसलिए मैं आलू दे रही हूँ। बड़े आलू को थोड़ा फ्राई होने देते हैं, कलर आ गया है। अभी हम लोग यहाँ पे दे देंगे, मैंने जिंजर एंड 2 हरी मिर्च की पेस्ट कर दिया है मैंने, उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे पहले। जो पेस्ट है अच्छे से मुझे आपको सॉटे कर लिया है, कच्चा पर निकल गया, देखिए तेल भी रिलीज हो गया है। इसमें डाल देंगे 2 टमाटो, मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है, वो डाल दूंगी यहाँ पे। और हल्दी, ठीक है, अच्छा हो जाए। यहाँ पे पानी दे देंगे, अवेलेबल है ड्राई स्पाइसेस है, धनिया पाउडर, मेरा स्पून बहुत ही छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे टी स्पून, कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर, कलर अच्छा आता है, मैं तीखा हम लोग ने दिया है इसलिए मैं कलर के लिए सिर्फ दे, ठीक है, 1/2 टी स्पून पानी डाल के फिर मसाला को कुक कर लेंगे। हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही ले लिया है, वो हम लोग से टेक्स्चर आता है। सो फ्रेंड्स हम लोग का ग्रेवी अच्छे से कुक हो गया है, यहाँ पे हम लोग आलू जो दिया था वो भी बॉयल हो गया है, देखिए कितना अच्छे से आलू भी बॉयल हो गया है। हम लोग अभी क्या करेंगे, जो फ्राइड हम लोग ने किया था, ठीक है, वो हम लोग सब डाल देंगे इसमें। अब जो आपको खाना है इस समय तो अभी मैं खड़ी खड़ी होकर खा ही रही, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग शुगर दे देंगे, जस्ट ऑप्शनल है क्योंकि यू नो बंगाली डिश इज इंक्लूडेड विदाउट शुगर। दूंगी थोड़ा सा घी दे दूंगी, बस ये पूरा वेजिटेरियन डिश है तो यहाँ पे थोड़ा सा घी दे दूंगी बस। सो फ्रेंड्स कैसा लगा रेसिपी हमें से बताइएगा, कटहल के साथ बनाइए अमेजिंग रेसिपी। हम लोग अब इसको सर्व कर लेंगे, आप लोग भी ऐसा बनाइए, देखिए कितना अच्छा बना है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा रेसिपी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यम्मी रेसिपी। See you in the next recipe. Till then, goodbye. Have a nice day.